दोस्तों, मेरे एक अच्छे उस्ताद हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि देर इज़ नो फाइनल वर्ड इन रिसर्च। तो ये बात सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में स्पेशली बार बार यू नो साबित हो जाती है कि जब हम पीटर बर्जर जैसे सोशियोलॉजिस्ट को, थियोलॉजियन को पढ़ते हैं, जिनका सेकुलराइजेशन को लेकर सेक्रेट कैना बी द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, द रूम ऑफ एंजल्स वगैरह वगैरह, इतना सारा ह्यूज यू नो बॉडी ऑफ वर्क है। बाद में हम उनकी अगर यू नो सेकुलराइजेशन थ्योरी को देखते हैं, जिसमें ये पहले बिल्कुल ना किसी भी शक व शुबा के बगैर एक क्लेम था कि जदीदियत इनएविटेबली यू नो जितनी जितनी फैलती जाएगी और उतना उतना यू नो मज़हब और उसका जो असर है, इफादियत है, वो कम होती जाएगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में पीटर बर्जर जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने एक ज़माने में ख़ुद इस बात का एतराफ किया कि वो गलत थे, और दरहकीकत ये सेकुलराइजेशन के तस्वूर को हर जगह तजुर्बादी तौर पर गलत साबित किया गया था। पूरी दुनिया में यू नो जैसे पहले कहा गया था कि जितना जितना मॉडर्न उतना उतना रिलीजन कम, लेकिन हुआ इसके बरक्स। बाद में यू नो एक जैसे कहते हैं कि यू नो तजुर्बाती तौर पर इस बात को गलत साबित किया गया, और ऐसी दुनिया में जो ज़्यादा कम नहीं शिद्दत से मजहबी होती या हो रही थी, सिवाय इसके कि मगरिब के यूरोप के नाम से यू नो मगरिब को यूरोप के नाम से जाना जाता था। और सेकुलराइजेशन दोस्तों स्पेशली वो मौजू है जिस पर पीटर बर्जर ने अपने नज़रियात कम्प्लीटली बदल दिए, यानी यू नो अपसाइड डाउन। बुनियादी पोजिशन जिनकी कभी ये रही हो कि नहीं ये इस अकीदे पे मबनी है कि जहाँ जहाँ पे जितनी जितनी जदीदियत फैलती जाएगी मज़हब के माने को खोने का बाइस बनती है, मज़हब के माने को खोने का बाइस। तो दोस्तों इस ख्याल को पेश करने और उस पर बहस करने के बाद दूसरे माहिरीन इमरानियात, बाकी सोशियोलॉजिस्ट ने उनके नज़रियात और उनकी ऑब्जर्वेशंस ने उसकी पैरवी करते हुए बर्जर ने एक कदम पीछे हटकर ये ऐलान किया कि जदीदियत और सेकुलराइजेशन के दरमियान दरअसल बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, और ये कुछ ही एरियाज़ में मज़हब पहले से ज़्यादा ज़िंदा है। तो बाद में वो डी सेकुलराइजेशन पर आ गए, जिस पर हम अलग यू नो बात करेंगे। दरअसल मैं यहाँ पे इसको एक मेथडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहता हूँ कि जो थीसिस आपने 5 साल पहले लिखी है, अगर आज आप अपनी थीसिस को देखेंगे आपको हज़ारों गलतियाँ मिलेंगी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि या ये क्या आपने लिखा है। देयरफॉर ये साइंस की खूबसूरती है दोस्तों, साइंस की एम्पिरिसिज्म की खूबसूरती है ये, और के आइडियाज़ बदलते रहते हैं। As my teacher says, there is no final word. हकीकत में यही है, जो आज किसी चीज़ पर हमारी पोजिशन है, रिसर्च लगातार होता जा रहा है, और कोई एक रिसर्च ना पत्थर की लकीर नहीं होती, एक आखिरी बात नहीं होती किसी मौजू पर। चीज़ें बदलती रहती हैं, ट्रेडिशंस बदलते रहते हैं, नई नई तहकीक आ रही है, और आप देखिए यू नो फिज़िक्स में ही यू नो कितना कुछ बदला है, इवन ये जो स्पेस साइंस है इसमें कितना कुछ बदला है। आज हम देखते हैं कि मतलब जिन चीज़ों का पहले तसव्वुर भी नहीं था वो आज साइंस दावा कर रहा है, और यही बात रिसर्च की है। ऐसा नहीं है कि आपका मेथड एक आखिरी मेथड है। देयरफॉर मुझे लगता है कि वो लोग जिन्होंने अपनी थीसिस भी सबमिट की, उनका अवार्ड भी हुआ, रिसर्च स्टूडेंट्स आई मीन, वो लगातार उस टॉपिक पर और रिसर्च करें, अपने आप को गलत साबित करते रहें, अपनी बात को और मजबूत करते रहें, ताकि ये जो रिसर्च की ट्रू ब्यूटी है ये बाहर आए, ताकि साइंटिफिक टेंपर हमारे इस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड भी ऐसे फैले कि जो यूरोपियन साइंटिफिक टेंपर है, हम अपनी बात पे अड़ ना जाएं कि नहीं जी ये बेसिकली ये मैंने स्टडी किया है और ऐसा ही है। हम इतने फ्लेक्सिबल रहें अपने साइंटिफिक रिसर्च ट्रेडिशंस में कि बाकी स्कोप रहे और रिसर्च करने का टॉपिक्स में, और हम जो काम करें हमारी थीसिस में जो हो उससे बहुत और लोगों को प्रेरणा मिले कि उनसे यू नो टॉपिक से सब टॉपिक निकालने का और उस पर बात करने का। तो